हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज सोच रही हूँ कुछ अच्छा बनाऊँ। तो चलिए दाल चावल भिगाते हैं, कुछ इडली बनाते हैं। घर में सबको इडली खाने का बहुत दिनों से मन हो रहा था, तो सोच रही हूँ आज बना लेती हूँ। अब ठंड भी थोड़ी कम होने लगी है, तो थोड़ा काम वाम करना अच्छा भी लगता है। तो चलिए आपके संग शेयर करती हूँ अपनी इडली की रेसिपी और साथ में चटनी और सांभर भी। तो देखिए कैसे बनता है और आप भी बनाइएगा और देखिएगा कि कैसे बनती है आपकी इडली और सांभर। तो और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बनती है। चलिए मेरे संग देखते हैं इडली की रेसिपी। तो डोसे के लिए मैंने सबसे पहले रात में ही भिगा के रख लिया है दाल चावल। पूरी रात इसको भिगाया है और इसका रेशियो जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब इसको ये पूरी तरीके से भीग चुका है, ये देखिए अच्छे से चावल टूट रहा है, एकदम तीन तीन टुकड़ों में हुआ जा रहा है। तो अब इसको हम पीस लेते हैं, पेस्ट बना के मिलते हैं। डोसे और इडली के लिए आप कोई सा भी चावल यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई भी बड़ा वाला चावल या बासमती लेने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटे वाला भी एक आता है डोसे के लिए, अगर बोल के आप लाएंगे तो आपको आराम से किसी भी दुकान में ईजिली मिल जाता है। और दाल उड़द की जो सफ़ेद रंग की क्रीम कलर की होती है वो वाली इसमें पड़ेगी। और इसको रात में भिगा दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, अगर रात में भीगना से रह गया है तो सुबह अगर आप भिगा देते हैं धो के, तीन चार पानी से धो के आप इसको भिगा दीजिए। एटलीस्ट कम से कम इसको आपसे 4 से 6 घंटा तो आपको भिगाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये चावल एकदम टूटता हुआ, एकदम चावल अच्छे से भीगा हुआ होना चाहिए, दाल भी अच्छे से भीगी हुई होनी चाहिए। अगर आप ऐसे करके तोड़ें तो दाल एकदम हो जाए, क्योंकि खड़ी खड़ी दाल रहेगी तो वो पिसेगी भी नहीं ठीक से और अच्छा टेक्सचर भी नहीं आएगा और सॉफ्ट डोसे और सॉफ्ट इडली नहीं बन पाएगी। और इसलिए इसको कम से कम 5 से 6 घंटा तो आराम से भिगाना ही भिगाना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अच्छे से भीगा हुआ हो, तो कम टाइम में इसको नहीं होगा, क्योंकि भिगाने के बाद भी इसको, अगर पीसने के बाद भी इसको कुछ घंटे रखना होगा। गर्मियों में तो ठीक है, बहुत जल्दी इसमें फर्मेंट हो जाता है और बढ़िया सा एक हुआ जाता, बट सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वेदर ऐसा है, तो इसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखना पड़ता है, गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में ही थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है, तो चलिए इसे मैं पीस लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको एकदम कैसे पेस्ट बनाना है। ये पीस के बैटर हो गया रेडी, इस बार बर्तन में मैंने रख लिया। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जब भी इस बैटर को रखना है ना, तो थोड़े से बड़े बर्तन में ही रखिएगा। जैसे ये आधा है, मैंने आधा ये खाली कर रखा है, इसीलिए बड़े बर्तन में रखा है, क्योंकि अभी जब ये फूलेगा तो इसको जगह चाहिए होगी, इसे स्पेस चाहिए होगी। और आप एकदम छोटे बर्तन में एकदम उतने में ही रख दोगे तो वो फूलेगा, वो आपका बैटर सारा बाहर आ जाएगा। तो कभी भी छोटे बर्तन में नहीं रखना, इसमें गैप ये इतना स्पेस ज़रूर छोड़ेगा, क्योंकि अभी ये फूलेगा, ये जो फर्मेंट होगा इसको स्पेस चाहिए होगा, तो इसको स्पेस इसको देनी है। और अब इसे क्या करना है, इसको फर्मेंट करने के लिए या तो आपके यहाँ धूप है तो आप इसे धूप में रख दो, जितनी भी देर धूप है, घंटा, 2 घंटा 3 घंटा जो भी हो रख दीजिए, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं हो तो आप माइक्रोवेव में रख के ट्राई कर सकते हो, जिसके यहाँ धूप नहीं आती हो तो इसे आप एक प्लेट से कवर करके माइक्रोवेव में रख दो, उसके अंदर गर्म रहता है, चलाना नहीं है, जस्ट बंद माइक्रोवेव में उसको बस एक बार हीट करके और आप उसको रख दीजिए, उससे भी ये फर्मेंट हो जाता है जल्दी। आजकल सर्दी
देखा आपने कितनी इजी होती है इडली की रेसिपी और चटनी और ये सांभर। तो इसमें कोई वो नहीं होता, बस ये होता है कि हाँ जब तक पहली बार बनाना लो तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना। और बहुत से लोगों का यही हमेशा कंप्लेन रहती है कि वो जब इडली बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है। वो हार्ड इसी वजह से हो जाती है क्योंकि दाल और चावल जो हम भिगाते हैं उसका रेशियो हमेशा सही होना चाहिए, 2 कटोरी चावल तो 1 कटोरी दाल। जब तक दाल चावल का रेशियो एकदम ठीक नहीं बैठेगा तब तक इडली या डोसा जो भी होगा ठीक नहीं बनेगा। तो हमेशा बहुत से लोग होते हैं हम बिना नाप के बिना ऐसे इन बना नहीं, हमेशा उसको प्रॉपर तरीके से जिस कटोरी से जिस बर्तन से आप चावल को नाप रहे हो सेम उसी बर्तन से ही आपको दाल भी नापनी है। दोनों चीज़ें सेम होंगी, रेशियो 2:1 का होता है, 2 चावल तो 1 दाल। 1 चावल है अगर आपको छोटी फैमिली है कम बनाना है तो 1 कटोरी चावल तो 1/2 कटोरी दाल, और दाल उड़द की ही होनी चाहिए और कोई भी दाल नहीं। और देखिए आपने जैसे देखा मेरी इडली कितनी सॉफ्ट थी, मैंने आपको दिखाया भी कि वो एकदम कितने आराम से टूट, किसी किसी की बहुत हार्ड हो जाती है। ऐसे बनाकर देखिए और लास्ट में बनाते समय हल्का सा इनो आप उसमें डाल दीजिए, आपकी इडली हमेशा अच्छी बनेगी चाहे आप कैसे भी करिए। तो ज़रूर ट्राई करिए कि रेसिपी कैसे बनती है, और अगर बनाइए तो मुझे कमेंट करिए कि आपने मेरी रेसिपी को ट्राई किया।